नागरिक के लिए सबसे प्यारा है उसका देश। फौजी देश की संपूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, देश की शान और उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उसे कहते हैं फौजी। देश के सरहद पर अपना सर कटाने वाला और अपनी सारी इच्छाओं और खुशियों को दांव पर लगाने वाला वह है हमारे देश के फौजी। वह ना कड़ी धूप से डरते हैं और ना आंधी से और ना ही किसी आपदा से, बस देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। फौजी देश की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। वे राष्ट्र के संरक्षक हैं और हर कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा करते हैं और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और देश हित को सबसे ऊपर रखते हैं। फौजी की नौकरी और उसकी दुनिया कठिन और चुनौतियों से भरी होती है। उनकी सैनिक शिक्षा में कड़ी प्रशिक्षण होती है। एक अच्छा फौजी बनने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। फौजी हमेशा कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। फौजी अपनी आर्मी के साथ लेकर चलता है और एकता बनाए रखता है। किसी भी युद्ध के खिलाफ फौजी ईमानदारी और बहादुरी के साथ लड़ते हैं। एक सच्चा फौजी देश के लिए जीता है और देश के लिए ही मर मिटता है। एक देश चैन की नींद सोता है क्योंकि फौजी रात भर जागकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। फौजी का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह बिना किसी स्वार्थ के अपने देश के लिए जान की बाजी लगा दे। फौजी को हर समय सतर्क रहना पड़ता है। वह रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़ों की ठंड में निडर होकर देश की रक्षा करते हैं। वह प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की मदद के साथ उन्हें सुरक्षित गंतव्य स्थान पर ले जाते हैं। वे दुश्मनों के आगे निडर होकर लड़ते हैं और देश की हर हालात में हिफाजत करते हैं। एक फौजी का भी अपना परिवार होता है। वह एक भाई, बेटा, पिता और एक पति है, लेकिन देश के आगे वह इन सारे रिश्तों को पीछे छोड़ देश की रक्षा के लिए सरहद पर लड़ता है। वह हमेशा हर पल चौकन्ना रहता है। फौजी सभी देशवासियों के लिए एक सुनिश्चित वातावरण रखने का प्रण लेता है। वह देश में किसी भी प्रकार के आपातकालीन स्थिति को बखूबी संभाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का देश पर आतंकवादी हमला हो या फिर प्राकृतिक आपदा, हर प्रकार की परिस्थिति को समझदारी और सूझबूझ से संभाल सकते हैं। एक फौजी बनना इतना आसान नहीं है। जिंदगी हर कदम पर चुनौतियों से भरी हुई होती है और उसका हर पल हर समय निडर होकर सामना एक देशभक्त फौजी ही कर सकता है। वे महीनों और वर्षों तक अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं ताकि देश सलामत रहे। तभी ये भावनात्मक रूप सैनिक को परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह इन भावनाओं को अपने कर्तव्यों के समक्ष आने नहीं देते। फौजियों को कभी छुट्टी नहीं मिलती है और ज़्यादातर त्योहारों में फौजियों को उनको छुट्टी नहीं मिलती। हम देश में त्यौहार मना सकते हैं क्योंकि फौजी निडर होकर दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। कभी कभी भोजन कम होने के बावजूद फौजी दूरस्थ जगह में तैनात किए जाते हैं। सैनिकों को लड़ाई लड़ने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे थकावट और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह इसे बिल्कुल नहीं घबराते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। मौसम की कठोर परिस्थितियों में भी उन्हें काम करना पड़ता है। उनके पास पर्याप्त बुलेट प्रूफ उपकरण भी नहीं होते हैं जो उन्हें सुरक्षित रखे। इस प्रकार हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कठोर परिश्रम वाले जीवन जीते हैं। हम सलाम और नमन करते हैं उन फौजियों को जो देश हित और सरहद की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फौजी हमेशा अपने कर्तव्य, बलिदान और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। सरहद पर फौजी शहीद होते हैं तो परिवार और देश का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वह हमेशा भारतीय सेना की परंपराओं को बनाए रखता है। निष्कर्ष: भारतीय फौजी विश्व के जांबाज सेना दल है जो किसी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। फौजी सरहद की रक्षा के साथ देश की सुरक्षा और स्थिरता का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। वह कमांडर्स के निर्देशों का सटीक पालन करते हैं और किसी भी जगह चूक नहीं होती है। हमें अपने भारतीय फौज पर गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।